नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि कभी भी किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सच पूछो तो कमज़ोर कोई भी नहीं है। अगर कोई अपने मनोबल को बढ़ा कर रखे, कॉन्फिडेंस हो उसके अंदर अच्छा खासा, तो कहीं पर भी कोई भी कमज़ोर नहीं है। कोई भी कुछ भी कर सकता है और कुछ भी हासिल कर सकता है। आप बिल्कुल वैसा समझ लीजिए कि जैसे अचानक से कहीं पे हमको देखने को मिलता है जिससे कभी कोई उम्मीद नहीं होती और वो बड़ी चीज़ें कर जाता है। हम लोग देखते रहते हैं, बहुत से लोग बहुत गरीबी से निकलते हैं जिनके पास किसी भी तरह का कोई रिसोर्सेज नहीं होते हैं, और वो अच्छे से अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत लगन कर से पढ़ाई करने के बाद, और वो बड़ी बड़ी पदों को हासिल कर लेते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसे हम लोगों ने बहुत से नेताओं को भी देखा है जमीन स्तर से काम करते हुए और काफ़ी ऊपर तक गए हैं, और ऐसे बहुत से अधिकारी लोग भी हैं बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, बिजनेसमैन भी हैं जो बहुत आगे जाते हैं। जैसे कि हम लोगों की जनरेशन में तो देखने को मिलता है, जैसे कि अंबानी ग्रुप है, वो एक छोटी सी जगह से निकलने वाले व्यक्ति और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये सारी चीज़ें मोटिवेशन की होती हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक न्यूज़ आ रही है अभी। दरअसल मैंने 3 दिन पहले एक न्यूज़ बनाई थी जिसमें ईरान ने एक धमकी दी थी इसराइल को अटैक करने की, और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है अभी भी। आपको ये बता दें कि इसराइल एक ऐसा देश है जो किसी समय बहुत ही ज़्यादा छोटा हुआ करता था, आज भी वो बहुत छोटा है, लेकिन किसी समय वो इससे भी ज़्यादा छोटा हुआ करता था। और मुस्लिम वर्ल्ड के कुछ देश हैं जो उसके ऊपर एक साथ हमला किया था, 6 देशों ने, और उसने उन 6 देशों को एक बार में ही 1 हफ्ते के अंदर सबको हरा दिया था, छोटे से देश ने। सिर्फ ये कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उन्होंने जमकर मेहनत करी, पढ़ाई करी और रिसर्च करी, और अच्छी खासी टेक्नोलॉजी के साथ अच्छे खासे वेपन बनाए, अपने डिफेंस इक्विपमेंट अच्छे बनाए, और आज इसराइल की टेक्नोलॉजी पे बहुत आगे हैं, लोग उस पर नाच करते हैं, उसके ऐसी टेक्नोलॉजी है। वो अपनी डिफेंस इक्विपमेंट दूसरे देशों को बेचता है, इवन भारत भी खरीदता है अगर डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें तो। दोस्तों, अब यहाँ तक कि अब उसी न्यूज पर एक डेवलपमेंट अभी आई है। डेवलपमेंट ये है कि ईरान अब जो धमकी दे रहा है उसी पर इसराइल ने ईरान को एक मैसेज दिया है कि हमारे ऊपर किसी भी तरीके से हमला करने की गलती मत कर देना, नहीं तो हम एक ऐसा वेपन यूज़ करेंगे, एक ऐसा बॉम्ब यूज़ करेंगे जो दुनिया में अभी तक यूज नहीं हुआ है। मतलब ईरान ने इस लेवल तक की तैयारी कर रखी, इसराइल ने इस लेवल तक की तैयारी कर रखी है। इसराइल के पास वो चीज़ें हैं। अब आपको बता दें कि वो चीज़ है क्या। दरअसल दोस्तों, एक होता है ईएमपी बॉम्ब का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बॉम्ब बोलते हैं। ये एक ऐसा बॉम्ब होता है जिसको आप किसी दुश्मन देश के बाउंड्री पर जा करके अपने फाइटर जेट से वो बॉम्ब वहाँ पर गिरा देते हो, तो उसकी जो भी उस बॉम्ब के रेडियस में जितनी भी जगह आ जाएगी, उतनी दूर पर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो सप्लाई रुक जाती है, उसमें धमाके हो जाते हैं उन सप्लाईज में, और वो पूरी तरह से चौक कर जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जैसे रुकती है तो किसी भी शहर की या किसी भी देश की सप्लाई, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की रोक देंगे, वो शहर और वो देश पूरी तरह से रुक जाएगा। आप ऐसा समझ लीजिए, वो एक तरह से पैरालाइज हो जाएगा वो देश अगर ये यूज़ हो गया। तो इसराइल ने इस लेवल तक की तैयारी कर रखी है। इसराइल ने खुले शब्दों में ईरान को समझा दिया है कि आप गलती मत करना, अदरवाइज यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और कहाँ तक जाएंगे ये आपको पता नहीं रहेगा। दोस्तों, ये जो इसराइल ने बना लिया है, क्या इसको कभी दुनिया को दिखाया है? तो दोस्तों, इसराइल ने ये बनाने के बाद कभी भी किसी को दिखाया नहीं है, उसने खुद ही अपने लेवल पर टेस्ट करे हैं, और वो इससे काफ़ी नुकसान पहुंचा देगा ईरान को, क्योंकि जो इसराइल की टेक्नोलॉजी है वो भरोसेमंद टेक्नोलॉजी होती है, वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की तरह नहीं है।
कि विश्वास नहीं है, कुछ नहीं होगा या क्या हो जाएगा। इसराइल की टेक्नोलॉजी इट मीन्स कि वो वर्क करेगी, उनका अपना एक स्टैंडर्ड है। अब दोस्तों बात ये आती है कि इसराइल ने जैसा कुछ कर रखा है तो ऐसे क्या दूसरे देशों के पास भी है, या भारत के पास भी ऐसा कुछ है? तो दोस्तों ऐसा बता दें कि 2013 में ऐसी एक न्यूज़ इंडिया के लिए आई थी कि भारत एक ईएमपी बॉम्ब को डेवलप कर रहा है, लेकिन उसके आगे उस न्यूज़ के जो 2013 की ये न्यूज़ है उसके आगे कुछ ऐसा सुनने में आया नहीं, कुछ डीआरडीओ ने ऐसा कुछ मतलब पब्लिश नहीं किया, ऑफिशियल कुछ नहीं किया। तो आज की डेट में हमें एक्चुअल में ये नहीं पता कि इंडिया के पास ईएमपी बॉम्ब है या नहीं है, बन गया है या नहीं है, या डेवलपिंग फेज में किस लेवल पे, कुछ नहीं पता। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। अब ये समझ लीजिए कि इसराइल इतनी ज़्यादा ये मजबूती के साथ अपनी चीज़ों को बोल रहा है कि ईरान अभी तक वाकई में हिम्मत नहीं कर पा रहा है। हालांकि इसराइल ने उसकी धमकी को सीरियस लेते हुए अपने 28 देशों में जो भी उसके काउंसलेट थे या जो भी दूतावास थे उसको पूरी तरह से बंद कर लिया। इवन भारत की भी जो एम्बेसी है और जो कॉन्सुलेट है वो बंद कर लिया है इसराइल ने, जो मुंबई में कॉन्सुलेट है इनका वो बंद कर लिया है। जबकि भारत और ईरान के रिश्ते अच्छे हैं, ऐसा मुश्किल है कि ईरान भारत में कोई ऐसी जगह को स्पॉट को टारगेट करे जो इसराइल से रिलेटेड है, ऐसा मुश्किल है। अभी कुछ समय पहले की एक न्यूज़ है कि दिल्ली में जो इसराइल का दूतावास है